राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने श्रीनगर के बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया दौरा। बाढ़ पीड़ित लोगों से मिले जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह के साथ लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रत साहा भी रहे मौजूद। राहत बचाव कार्य के बारे में साहा ने दी जानकारी। बाढ़ के बीच पहाड़ों से भी बरस रही है आफत। कश्मीर के रामबन में तरक रहे हैं पहाड़। जमीन खिसकने से उधमपुर का पंचर सदाल गांव पूरी तरह बर्बाद। पहाड़ के मलबे में 50 से ज्यादा लोग दबे, 10 शव निकाले गए। लैंडस्लाइड के चलते कई जगह हाईवे जाम। सेना ने युद्ध स्तर पर काम कर कई जगह सड़क सेवाएं करवाई बहाल। जम्मू कश्मीर में अब तक 110,000 लोगों को बचाया गया। राहत के लिए सेना ने लगाया पूरा जोर। पीएमओ के मंत्री जितेंद्र सिंह ने कश्मीर के बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया हवाई सर्वे। गृह सचिव अनिल गोस्वामी भी रहे साथ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अपने फंड से बाढ़ पीड़ितों के लिए 20-20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा सदी के सबसे भीषण बाढ़ में बह गई थी सारी व्यवस्था। कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों के लिए लुधियाना से आर्मी ने भी भेजी राहत की सामग्री। राहत सामग्री में शॉल, स्वेटर और खाने के सामान। बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे आए लोग। श्रीनगर में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बांटी राहत सामग्री। सेना के साथ रेड क्रॉस और तमाम एनजीओ भी मदद के लिए जुटे। गांव गांव बांट रहे हैं राहत सामग्री। जम्मू कश्मीर बाढ़ पीड़ितों के लिए पीएमओ कर्मचारियों ने दी एक दिन की सैलरी। प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा होगी रकम। रेलवे ने भी बढ़ाए मदद के हाथ। देश के किसी भी रेलवे स्टेशन से जम्मू और उधमपुर के लिए फ्री भेजेगा राहत सामग्री। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने पेश किया राहत बचाव का लेखा जोखा। जम्मू कश्मीर की बाढ़ को बताया राष्ट्रीय आपदा। गृहमंत्री ने कहा सेना ने अब तक 130,000 लोगों को बचाया। एनडीआरएफ ने 34,000 लोगों की बचाई जान। एनडीआरएफ के जवान थे, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अब तक जम्मू कश्मीर में लगभग 130,000 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। गृह मंत्रालय की नई योजना सिविल डिफेंस को डिजास्टर मैनेजमेंट का हिस्सा बनाया जाएगा। सरकार के लेखे जोखे पर बोले गृह मंत्री, कहा हमारी सरकार के 100 दिनों में 132 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। पूर्व सीएजी विनोद राय का कांग्रेस नेताओं पर आरोप। 2G घोटाले की ऑडिट रिपोर्ट से तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम निकालने के लिए बनाया दबाव। विनोद राय ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर सिंह पर किया तीखा हमला। कहा मनमोहन सिंह किसी भी तरह सिर्फ सत्ता में बने रहना चाहते थे। विनोद राय ने कहा केवल पैसे के मामले में ही नहीं बल्कि पेशेवर मामले में भी परतनी चाहिए थी मनमोहन सिंह को ईमानदारी। विनोद राय के आरोपों पर संजय निरुपम ने किया खंडन। कहा कोरा झूठ बोल रहे हैं विनोद राय। जेडीयू ने कहा नेता की तरह बात कर रहे हैं राय। दिल्ली में मजबूत हुई बीजेपी की स्थिति। इंडिया टुडे ग्रुप और हंसा का सर्वे। आज हुए चुनाव तो बीजेपी को मिलेगी 50% वोट, आपको 41%। कांग्रेस के हिस्से आएगा सिर्फ 4% वोट। दिल्ली के सियासी उठापटक के बीच इंडिया टुडे ग्रुप और हंसा का सर्वे। 42% लोगों की राय दिल्ली में बीजेपी बनाए सरकार। 39% लोगों की राय उलट। 56% लोगों की राय उपराज्यपाल आम आदमी पार्टी को ना दे सरकार बनाने का न्योता। सिर्फ 28% लोग आपको सरकार का न्योता दिए जाने के पक्ष में। सर्वे के मुताबिक दिल्ली की 47% जनता फिर से चुनाव कराने के पक्ष में है जबकि 34% लोग चुनाव नहीं कराना चाहते। दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के लिए अब भी अरविंद केजरीवाल पहली पसंद। 39% लोगों ने कहा केजरीवाल बने मुख्यमंत्री। दूसरे नंबर पर हर्षवर्धन और किरण बेदी 20% लोगों की पसंद। पाकिस्तान से बातचीत पर राजनाथ का बयान, अगर पाक का रवैया ठीक रहा तो फिर शुरू हो सकती है बातचीत। भड़काऊ भाषण पर बढ़ सकती है बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें। नोएडा में केस दर्ज। लखनऊ में बिना इजाजत रैली करने पर भी फंसे आदित्यनाथ। चुनाव आयोग ने FIR दर्ज करने के लिए आदेश दिया। लखनऊ में दर्ज हो चुका है केस। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने कहा लोगों का
बांटने का काम कर रही है बीजेपी, आजम खान ने कहा केवल फटकार देकर क्यों छोड़ा। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाना चाहती है, लेकिन वही ताकतें ऐसी भी हैं जो बांटना चाहती हैं। मुझे भरोसा है कि बांटने वाली ताकतों को जनता 13 तारीख को सबक सिखाएगी। हम ऐसी ताकत, ये हो गया सेकुलर ढांचा, यही है कानून का सम्मान कि उन्हें सिर्फ फटकार लगाई है। और हमारे साथ क्या हुआ था और क्या खता थी हमारी। राज्य सरकार के कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिए मोदी का प्लान, पीएमओ का सचिवों को पत्र, मुख्यमंत्रियों के मुद्दों को मिले तरजीह। विकास योजना और प्रोजेक्ट्स पर मुख्यमंत्रियों के मुद्दों की सीधी निगरानी करेगा पीएमओ, तय समय में प्रोजेक्ट पूरा करने का निर्देश। मुख्यमंत्रियों और अफसरों से संवाद करने के लिए तैयार हुआ अलग से वेब एप्लीकेशन, 15 सितंबर से शुरू हो जाएगा नया सिस्टम। स्वच्छ भारत अभियान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया प्रेजेंटेशन, 2 अक्टूबर को लॉन्च होगा अभियान। पीएम ने किया स्वच्छता मिशन को जन आंदोलन बनाने का आह्वान, कहा सफाई के काम को साल में कम से कम 100 घंटे में हर भारतीय करे। स्टिंग का वीडियो लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे केजरीवाल, बीजेपी नेता शेर सिंह डागर को गिरफ्तार करने की मांग। शेर सिंह डागर जी को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जाए, और शेर सिंह डागर जी बार बार उसमें कह रहे हैं कि वो हाईकमांड के इशारे पे कर रहे हैं, हाईकमांड से मिलवाएंगे। तो वो हाईकमांड कौन है ये पता करके, बीजेपी का वो कौन हाईकमांड है, उनको भी गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दिल। शीला दीक्षित के बयान से कांग्रेस ने किया किनारा, पार्टी ने कहा शीला का निजी बयान। दिल्ली पूर्व सीएम को मिला कांग्रेस विधायक मतीन अहमद का समर्थन, कहा सही कह रही है शीला दीक्षित। दवा खरीद घोटाले पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी नेता सुशील मोदी से मांगा सबूत, फेसबुक पर सार्वजनिक की चिट्ठी। चिट्ठी में बोले नीतीश कुमार, मुझे नहीं है घोटाले की खबर, दवा घोटाले पर मुझसे संबंधित भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं सुशील मोदी। आरोपों पर कायम है बीजेपी नेता सुशील मोदी, कहा सरकार सीबीआई से क्यों नहीं कराती दवा घोटाले की जांच। बिहार में दवा घोटाले पर सियासी घमासान में कूदे आरजेडी नेता पप्पू यादव, बिहार सरकार से की सुशील मोदी की संपत्ति की जांच की मांग। आरजेडी सांसद पप्पू यादव ने सहरसा में सिविल सर्जन के लिए क्लास, कहा इलाके के डॉक्टरों की फीस तय हो। स्पष्ट रूप से कहा कि पैथोलॉजिस्ट कानून के मुताबिक पैथोलॉजिस्ट सरकार चाहती है रजिस्ट्रेशन और फीस लगा रहे ताकि कोई दलाल और बिचौलिया किसी से ज्यादा पैसा न ले, फीस लगा दीजिए। पप्पू यादव के कहने पर सिविल सर्जन द्वारा नोटिस जारी करने पर डॉक्टरों ने खोला मोर्चा, 14 तारीख को सहरसा सुपौल और मधेपुरा के डॉक्टरों की बैठक। इस्तीफा नहीं देंगे झारखंड के कृषि मंत्री योगेंद्र साव, मंत्री पर है नक्सलियों को फंड देने का आरोप, कांग्रेस की कमेटी ने आलाकमान को भेजी जांच रिपोर्ट। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, एक पुलिसकर्मी जख्मी, एक बदमाश को पकड़ने में कामयाब रही पुलिस। गाजियाबाद के स्वर्ण जयंती पार्क के पास भी मुठभेड़, चेकिंग के लिए रोकने पर होंडा सिटी सवार बदमाशों ने की थी फायरिंग। चेकिंग के समय एक संदिग्ध अवस्था में होंडा सिटी कार वहां की खड़ी हुई, उससे 2 लड़के उतरे और वो रैकी करने के लिए नीचे आए हैं। उसके बाद जैसे ही पुलिस को लगा कि ये संदिग्ध हैं, पुलिस ने उनको इंटरसेप्ट करने का प्रयास किया और उसके बाद वो फायर करते हुए वहां से भागे हैं। दिल्ली के हरिनगर इलाके में जिम में गोलीबारी, एक घायल। जिम में गोली चलाने वाला आरोपी प्रवीण गिरफ्तार, पुलिस के मुताबिक जिम में जबरन घुसने से मना करने पर आरोपी ने चलाई गोली। धार कैजाक थाने में तैनात डीएसपी बीएस कुशवाहा के घर एमपी लोकायुक्त पुलिस का छापा, 3 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा। बुधवार को 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए थे डीएसपी कुशवाहा, गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने जमानत पर छोड़ा था। होशियारपुर पुलिस ने ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, 3 युवक और 1 महिला गिरफ्तार। मैरिज ब्यूरो के नाम पर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते थे आरोपी, फर्जी पुलिस और पत्रकार बताकर करते थे ब्लैकमेल। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में डीजी बंजारा को मिली जमानत, लेकिन अभी नहीं होगी रिहाई, इशरत एनकाउंटर केस में भी नामजद है बंजारा।
शारदा चिटफंड घोटाले में ममता बनर्जी को घेरने की तैयारी, इस्तीफे की मांग करते हुए पश्चिम बंगाल में बीजेपी का राज्यव्यापी प्रदर्शन। डीयू और जेएनयू में आज छात्र संघ का चुनाव, डीयू में सुबह 8:30 बजे शुरू हुई वोटिंग, जेएनयू में सुबह 9:30 बजे शुरू होगी वोटिंग। तमिलनाडु के सीनियर आईएएस अफसर यू सागायाम का 48 घंटे के भीतर 2 बार तबादला, 23 साल में 24 बार हो चुका है तबादला। आधार कार्ड बनाने में लापरवाही का बड़ा मामला, राजस्थान के सीकर में हनुमान जी के नाम पर जारी हुआ आधार कार्ड। बीएचपी के विरोध के बीच दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हुई 4 दिनों की आलिशान पाकिस्तान प्रदर्शनी, फैशन और लाइफस्टाइल से संबंधित उत्पादों का हो रहा है प्रदर्शन। गर्लफ्रेंड रीवा स्टीन के एमपी हत्या के केस में पारा एथलीट ऑस्कर पिस्टोरियस को मिली राहत, पूर्व नियोजित हत्या के आरोप से बरी। पिस्टोरियस गैर इरादतन हत्या के दोषी हैं या नहीं, प्रिटोरिया की अदालत आज सुनाएगी फैसला। सुनवाई के दौरान प्रिटोरिया की अदालत के बाहर प्रदर्शन, सजा की मांग कर रहे थे लोग। 9/11 के हमले में मारे गए लोगों को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दी श्रद्धांजलि, कहा हमले के बाद मजबूत हुआ अमेरिका। पेंटागन में आयोजित समारोह में मारे गए लोगों के परिवार वालों से मिले ओबामा, न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया में भी हुई श्रद्धांजलि सभा। पाकिस्तान में सैलाब के बीच लोगों को बचाने का काम जारी, झांग जिले में चिनाब नदी के उफान से बचाए गए लोग। बार्सिलोना में बाल बाल बचे एक विमान के मुसाफिर, टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान के इंजन से निकलने लगा धुआं। रूस के शहर जा रहा था बोइंग 676 विमान, एक मुसाफिर ने बोइंग में कैद की तस्वीर। अमेरिका के साउथ डकोटा में भारी बर्फबारी, रैपिड सिटी में जमी बर्फ की 8 इंच मोटी परत, 1970 के बाद सितंबर में हुई थी इतनी बर्फबारी। साउथ कैलिफोर्निया में एक भालू और उसका बच्चा बना लोगों के आकर्षण का केंद्र, दोनों को देखने बड़ी तादाद में आ रहे हैं लोग।